सियासी उठापटक, खापों के फरमान, महिलाओं के हाल, कर्मचारियों की हड़ताल, चमचमाते मौन, वहीं बदहाल किसान, हरियाणा के हर मुद्दे पर नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज बात सरकार की नीति को लेकर की जा रही है, क्योंकि रिटायरमेंट उम्र क्या हो इसको लेकर सरकार एक फैसला लेने जा रही है और इस फैसले को लेकर एक सब कमेटी बना दी गई है। दरअसल आज एक कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक के बाद सरकार ने कई मसलों पर चर्चा की और उनमें से एक मसला था कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने को लेकर। आखिर ये फैसला क्यों लेना पड़ा और क्या वाकई रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने से क्या कर्मचारियों को फायदा मिलेगा या फिर सरकार को, जरा रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में सूबे की सरकार इस बार आम लोगों के साथ साथ कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसमें कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। दरअसल हरियाणा में अभी तक कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 साल थी, जिसको बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। हालांकि इसके लिए सरकार ने सब कमेटी बनाने का फैसला ले लिया है, जिसकी रिपोर्ट एक महीने के भीतर सरकार को सौंपी जाएगी और कर्मचारियों की रिटायरमेंट को लेकर फैसला लिया जाएगा। मनोहर कैबिनेट ने आज हुई बैठक में एक के बाद एक कई अहम फैसलों को हरी झंडी दी। सूबे के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की अध्यक्षता में सब कमेटी गठित करने का फैसला भी लिया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री अनिल विज और राज्य मंत्री कृष्ण बेदी सब कमेटी के सदस्य होंगे। इसके साथ ही 58 से 60 साल के बीच में जो अधिकारी या कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उन्हें दोबारा नियुक्त किया जाएगा। एक काम तो क्या है कि जो 58 से 60 साल तक की आयु के जो लोग हैं और जो उसको दोबारा से रीएम्प्लॉयमेंट में आना चाहते हैं उनके लिए प्रावधान कर दिया है कि वो रीएम्प्लॉयमेंट में आ सकते हैं, खास करके जेईस हैं, वीडियोस हैं, एचआर हैं, जितने भी प्रकार के 60 साल तक की आयु के लोग हैं उनको रीअप्लाई करेंगे। और इसी में रिटायरमेंट एज 58 से 60 की जाए, इसके लिए एक सब कमेटी बनाई है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में कमेटी एक महीने के अंदर ये रिपोर्ट देगी कि क्या हम रिटायरमेंट एज को 58 से 60 साल करें तो करने से उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, इसका अध्ययन करके वो एक। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर कोई सरकार फैसला ले रही हो। इससे पहले कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिर समय में कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर फैसला लिया था, लेकिन बीजेपी सरकार के आने के बाद पिछली सरकार के फैसले को पलट दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर कर्मचारियों की याद सरकार को आई है और रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकार अपने ही फैसले को वापस लेने पर विचार क्यों कर रही है? क्या पिछली सरकार का फैसला गलत था जिसको मनोहर सरकार ने बदला, या फिर मनोहर सरकार गलत फैसले को अब सही ठहराने की कोशिश में है? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो सतह पर कई सवाल हैं और ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या पिछली सरकार का फैसला गलत था, और यदि गलत ये फैसला पिछली सरकार की तरफ से लिया गया था तो अब एक बार फिर से वही फैसला क्यों लेने जा रही है मनोहर सरकार? क्या गलती की तरफ मनोहर सरकार भी आगे बढ़ रही है? यही कुछ इसी तरीके के सवाल हैं और सवाल बेहद गंभीर है, क्योंकि बात यहां पर महज रिटायरमेंट की नहीं है, बात यहां पर सरकार के यू टर्न की भी है कि सरकार पहले फैसला बदल देती है पिछली सरकार का, लेकिन अब अपने दौर में एक बार फिर से कुछ उसी फैसले को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। और सवाल यहां पर यह भी है कि आखिर ऐसी नौबत आ क्यों रही है? क्या इसके पीछे कोई और भी कारण है? क्या इसके पीछे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है और हर तरीके से ये देखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक चश्मा सभी के नज़रों में लगा हुआ है और मौजूदा वक्त में हर किसी मुद्दे को लेकर हम इसका कनेक्शन चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं, तो क्या रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने को लेकर भी इसके पीछे कोई सियासी कदम भी हो सकता है? उससे पहले, क्योंकि तमाम चीज़ों को समझें, इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से दलबीर धनखड़ जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है दलबीर जी आपका, और साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रदेश महासचिव मोहम्मद बिलाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है बिलाल साहब आपका। सबसे पहले बिलाल साहब, मैं आपके पास ही आना चाहता हूँ,
एक फैसला आपकी सरकार में लिया गया था, हालांकि जाते जाते ये फैसला लिया गया, लेकिन उस फैसले को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदल दिया आते ही सत्ता में। लेकिन एक बार फिर से कुछ उसी तरीके की सुगबुगाहट चल रही है कि क्या वो फैसला वापस ले लिया जाए। तो हम ये समझ रहे हैं कि यदि आपकी सरकार की तरफ से कोई गलती की गई थी जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस फैसले को बदल दिया था, तो ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि एक बार फिर से वही स्थिति दोहराई जा रही है? नहीं, हमने कोई गलती नहीं की, हमने कर्मचारियों के हित में फैसला लिया था और जो हमारी सरकार ने लागू भी किया। लेकिन सरकार हमारे जाने के बाद जब बीजेपी की सरकार को मौका जनता ने दिया और अब ये सरकार यू टर्न ले रही है, और इससे तो साफ साफ ये जाहिर होता है कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। ये वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने जिस कामों को आगे बढ़ाया उन्हीं को ये इंप्लीमेंट करने में लग रहे हैं। ये सिर्फ अदला बदली करके इधर से उधर कर दिया, उधर से इधर कर दिया, अब ये यू टर्न ले रहे हैं। अब क्योंकि इनका 2.5 साल पूरा गया, अब इनको आगे का रास्ता दिख रहा है कि आगे तुम्हारी गली बंद हो चुकी है, उस गली को खोलने का रास्ता ये कर रहे हैं। लेकिन इस तरह नहीं होगा, जनता इनके इरादों को समझ चुकी है और आने वाले समय में ये कर्मचारी भी जवाब देंगे इनको और जनता भी जवाब देगी कि किस तरीके से अपने वादों पर और अपने जो इन्होंने 154 वादे जो इन्होंने किए उनकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है कि हमने जनता को क्या झूठे वादे करके सरकार में आए। लेकिन ये उन्हीं कामों को करिए जिन कामों को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया था, और अच्छी बात है, और कर्मचारियों के हित में जो हमने फैसला लिया था अगर सरकार लेती है तो उनको लेना चाहिए इसको। और वही बात है कि कथनी और करनी में फर्क, और अब सरकार को ये चाहिए कि हमारे इस सरकार के जो पिछली सरकार का फैसला था उसको लागू करे और कर्मचारियों के हित में फैसला ले। और ये सब कमेटी तो ये सिर्फ आई वॉच है, जिस तरीके से आई वॉच है धूल झोंकने का ये काम कर रही है। अब इसको खेल में लगा दिया, सब कमेटी बना करके अब ये एक महीने तक अभी खेल में लगे रहो और अपनी वाह वाही झूठी वाह वाही लूटने के लिए ये सरकार ने काम किया और जनता इसको समझ चुकी है और आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी। ठीक है, तो ये जवाब देने की भी बात है, मैं दलबीर जी आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से संजय भसीन जी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय भसीन जी आपका। सबसे पहले सवाल मेरा आपसे भी है कि जैसा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी सरकार में जो फैसला यदि उन्होंने गलत लिया, तो आप आखिर अब एक बार फिर से कुछ उसी गलती को दोहराने की कोशिश मौजूदा सरकार क्यों कर रही है? कोई गलती को दोहराने की कोशिश नहीं कर रहे। उस समय जो फैसला लिया गया था जाति सरकार ने जो ये फैसला लिया उसके अंदर वोटों की राजनीति थी, जिसके अंदर ये फैसला लिया। सर, ये निर्धारित कैसे होगा कि वोटों की राजनीति है इसके पीछे? क्या उनकी गलती ये थी कि उन्होंने जाते जाते ये फैसला लिया? हाँ बिल्कुल, जाते जाते फैसले का मतलब ये नहीं था। फैसले का मतलब एक बात बताइए कि इतने साल तक ये फैसला क्यों नहीं लिया? अगर आप इस फैसले को सही मानते हैं हमारे, कौन से फैसले हमने जाते जाते लिया? नहीं, हम क्यों कर सही मानते हैं? आप इतने साल तक क्या मोड़ रहे हैं आप? नहीं, इस फैसले को आप सही मानते हैं या नहीं, आप इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, आपका वो फैसला देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है भसीन साहब। ठीक है बिलाल साहब ठीक है, संजय साहब एक सीधा सा सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या वाकई आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो डिसीजन लिया, हालांकि आपने बाद में बदल दिया, क्या वो फैसला सही था या गलत था? उस समय ये फैसला सही नहीं था जी। गलत था यानी कि? राजनीतिक फैसला था और ये राजनीतिक फैसला जो है, जो नई सरकार आएगी वो बदल दी। ये कैसे तय होगा? आप भी उसी पर एक बार फिर से विचार विमर्श कर रहे हैं, तो क्या आप वोटों की राजनीति नहीं कर रहे हैं? नहीं, वोटों की राजनीति नहीं, ये सब विचार विमर्श इसलिए कर रहे हैं, कांग्रेस ने इतने साल जो भर्ती थी और भर्तियां तो की नहीं। आपने कितनी भर्तियां कर ली हैं? भर्ती उसके अंदर सारा प्रोसेस के अंदर समय लगता है, जो कमियां छोड़ के गए हैं उन कमियों को ठीक करने में। सर, मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि जब आपने इस फैसले को बदला, आपने कहा कि 2 लाख नौकरी हर साल, यानी कि प्रति साल 2 लाख नौकरी हम देंगे, और ये एक बहुत बड़ा आपने लूपहोल यहां पर बताया था कि कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया है और इसीलिए हम इस फैसले को बदल रहे हैं। क्या आपने एक साल के अंदर कितनी नौकरियां दी हैं आपने, क्या आपके पास कोई आंकड़ा है? नहीं, एक साल के अंदर जो नौकरियां देनी है उसको, जो एक लंबा प्रोसेस होता है नौकरियों का, नहीं सर, दो साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और कितना लंबा वक्त चाहिए? आप कह रहे हैं कि प्रति साल के हिसाब से 2 लाख नौकरी हम देंगे, हाँ जी, तो कितनी आप नौकरी दे चुके हैं अब तक? नहीं, वो नौकरियां देंगे ना, कब दोगे? 2.5 साल हो गया संजय भाई, कब दोगे ये तो बताइए आप। प्रोसेस को तो ठीक करें, क्या प्रोसेस 2.5 साल में ऐसा कौन सा प्रोसीजर है, कौन सा ठीक नहीं होता? चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूँ संजय साहब। दलबीर जी, क्या चीजें आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार एक बार फिर से उसी रास्ते पर
अपनी गाड़ी मोड़ने के लिए तैयार है जिस रास्ते को गलत ठहराया जाता था। शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस को मित्र को बताना चाहूंगा, कांग्रेस के मित्र को यह कहना चाहूंगा, सरकार को जाते जाते ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई थी जो उम्र 58 से 60 करके आप जा रहे थे, आपके पास पूरा 9-10 साल का समय था, आपने प्रॉपर भर्तियां करनी चाहिए थी, युवाओं को मौके देने चाहिए थे, रिटायरमेंट की उम्र आप कर दो 60, हमें कोई एतराज नहीं था, ठीक है। जैसे ये सरकार गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आपको मैं बताना चाहूंगा सबसे पहला फैसला यही बदला था। तो उस समय विपक्ष के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक ही बात कही थी, आप ये बदल रहे हो, हम तब इसको अच्छा मानेंगे जब युवाओं को मौका दोगे। आपने जो भर्तियां करनी है सरकार की, जो खाली रिक्त स्थान है, वैसे तो प्रधानमंत्री आपको पता हो गया 2.5 साल तो इनकी स्टेट में सरकार होगी, 2.5 से ज्यादा सेंटर में होगी। प्रधानमंत्री जी एक बात कहते जहां भी जाते दुनिया में, युवा इस देश में आज सबसे ज्यादा है, युवाओं की संख्या अगर हम देखें तो दुनिया में कोई देश युवा नहीं है, हिंदुस्तान युवाओं का देश है। युवाओं की देश की बातें जहां हम करते हैं, तो आज मैं मनोहर लाल सरकार जी का ये यू टर्न का फैसला, इस पर मैं उंगली उठाना चाहूंगा, मैं उंगली इसलिए उठाना चाहूंगा, आप 58 से 60 कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, परंतु जो पद खाली पड़े, जिस तरह से आपने कहा हर साल 2 लाखों को हम रोजगार देंगे, आज 2.5 साल हो गए तो 5 लाख रोजगार देने चाहिए थे, 5,000 तक रोजगार ये नहीं दे, 5 लाख और 5,000 में बड़ा फासला होता है। यही सवाल भी यही मैं तो प्रार्थना सरकार से ये करता हूँ। अब पहले तो आप ये कह रहे थे प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, भैया प्रोसीजर लंबा हो चुका, आधे से ज्यादा आपका समय जा चुका, जब 2.5 साल पूरे हो गए, आखिरी के 6 महीने आप मत गिनो, 6 महीने काम करने के नहीं होते हैं, और जिस तरह से अब चर्चाएं चल रही हैं सेंट्रल और स्टेट की, इलेक्शन एक साथ हो जाएगी, 6 महीने वो कम हो गए, 6 महीने इलेक्शन प्रोसेस एक साथ, आपका तो समय ही 1.5 साल बचा है, 2.5 साल में आपने क्या तीर मार लिया। मैं फिर कहना चाहूंगा सरकार को, हमें बिल्कुल एतराज नहीं है 58 से 60 करने में, हमें एतराज ये है आप जो वायदा करके आए थे युवाओं को नौकरी देने का, वो कब दोगे? 5 लाख युवाओं को नौकरी अब तक आपने दे देनी चाहिए थी, जो कि 5,000 तक भी नहीं दे पाए, ये प्रदेश आपको बिल्कुल माफ नहीं करेगा, आपने बहुत लंबे लंबे वायदे किए। ये बेहद गंभीर सवाल है कि क्या वाकई जिस वजह से या जिन कारणों की वजह से फैसला बदला गया था पिछली सरकार का, मौजूदा सरकार की तरफ से, कि नौकरियां रोजगार दिया जाएगा और बेरोजगारों को रोजगार की श्रेणी में लाया जाएगा, क्या वो चीजें पूरी हो पाई हैं? इसी को समझने की कोशिश करते हैं। कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव सुभाष लांबा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चर्चा में। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहले सवाल आपका आपसे यही है कि क्या जिन वादों के साथ सरकार सत्ता में आई थी और आपसे कहा गया था कि नौकरी दी जाएगी, क्या वाकई नौकरी दी गई है? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं संजय जी आपके पास ही आना चाहता हूं, क्योंकि जो सवाल यहां पर दलबीर जी कर रहे हैं कि नौकरी जिस विषय के साथ आप सत्ता पर आए थे और आपने जब ये फैसला बदला था तो आपने यही कहा था कि हम रोजगार देंगे, हम नौकरियां देंगे, क्या वो नौकरियां मिल पा रही हैं? ऐसा जो निर्णय आप कह रहे, पहले बात तो ये जो निर्णय आपने कहा कि बदला था, हमने उस समय जो हुड्डा साहब जाते बार कर गए, उसके पीछे मकसद यही था कि युवाओं को भर्ती ज्यादा मिले, ठीक है, युवाओं को जो है आगे बढ़ाया जाए, युवाओं को सर्विसेज मिले। दूसरी बात ये है कि आप जो कह रहे हैं कि उनको मिलेगा, जैसे मैंने कहा कि प्रोसेस के अंदर तो समय लगता ही लगता है, वो तो सबको मालूम है। दूसरा ये है कि जो घपले से भर्तियां होती थी उनके सिस्टम को भी ठीक करने के अंदर जो समय लगा है, जो समय अब तकरीबन प्रोसेस के अंदर है भर्तियां, और ये सारी के सारी जो हमने वायदे किए। संजय रसी जी, आधा समय आपका निकल चुका है, और कितना समय चाहिए आपको? क्या आप भी कुछ इसी तरीके का निर्णय लेकर जाएंगे कि जाते जाते आप लोगों को ये सौगात दे, कर्मचारियों को ये सौगात दे, और अगली सरकार आकर फिर इसको निरस्त कर दे या फिर इस फैसले को बदल दे? नहीं नहीं, ऐसा वो भी इसी बात का हवाला दे कि आपने भी वोटों की वजह से ये फैसला लिया है? नहीं नहीं, वोटों की वजह से नहीं है, ना ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं, वो युवाओं की और युवाओं की भर्ती करके पूरे जो हमारा समय बचा उसके अंदर सारी की सारी भर्ती जो हमने अपने घोषणा पत्र में कही थी उनको हम पूरा करके जाएंगे। आज जाते जाते आप ये फैसला लेंगे? नहीं, जाते जाते क्यों, अभी तो 2.5 साल पूरे नहीं हुए, मतलब आपको और इंतजार है? इंतजार नहीं है, भर्तियों का प्रोसेस शुरू है। तो पूरे हो गए भाई, भर्तियों का प्रोसेस शुरू है, भर्तियों का प्रोसेस शुरू है, जो उसके अंदर जितने भी हमने कही थी सारी की सारी भर्तियां करके जाएंगे, युवाओं को बढ़ाएंगे, युवाओं का देश है, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात ये है कि उसके अंदर ये जो सारे के सारे जगह खाली पड़ी हुई है,
जो काम नहीं हो रहा, जो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे काम, इसलिए है आपके आंकड़े सुधार दूं, अगर आप समझो तो मैं समझा दूं। सुपेंदु जी जी, आपको ध्यान होगा जैसे ये सेंटर की सरकार आई थी मनरेगा पर बड़ी उंगलियां उठाई गई थी। कल जो बजट आया था इसमें मनरेगा का बजट बढ़ाया गया है। किस लिए बढ़ाया गया है? रजिस्ट्रेशन जो है मनरेगा के, जो बेरोजगारी बड़ी नोटबंदी से 1.25 लाख बेरोजगार हमारे गुड़गांव और फरीदाबाद से, मेरे संजय भाई बड़े भाई हैं, इनको पता होगा बड़े हैं, रजिस्ट्रेशन बढ़ने का, मनरेगा में रजिस्ट्रेशन बढ़ने का क्या कारण है? मनरेगा में रजिस्ट्रेशन बढ़ने का कारण सीधा सीधा बेरोजगारी है। बेरोजगारी का कल मनरेगा का बजट बढ़ाने का मतलब भी यही है कि बेरोजगार बढ़ रहे हैं। हम तो मैं कह रहा हूँ केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, एक वायदा किया था इन्होंने, हरियाणा की सरकार ने एक वायदा किया था, ठेका प्रथा बंद करेंगे, नई भर्तियां करेंगे, हर साल 2 लाख कर्मचारी को नौकरियां देंगे। मैं तो मेरे भाई से पूछना चाहूँ, संजय भाई 2.5 साल हो गए तकरीबन, 10-20 दिन बचे हुए हैं 2.5 साल होने में। मैं फिर कहता हूँ, चुनाव अगर सेंट्रल और स्टेट के जैसी सरकार चाहती है एक साथ हो गए, 6 महीने वो घट जाएंगे, 4.5 साल, 5-6 महीने इलेक्शन प्रोसेस हो जाता है। आपके पास 1.5 साल बचा है, 2.5 साल आपके निकल चुके हैं, अब तक भी आप प्रोसेस में नौकरियां नहीं ले पाए, तो कब ले आओगे? नौकरियां आप दे नहीं पा रहे हो, बेरोजगारी बढ़ा रहे हो उल्टा। नोटबंदी से आपको पता होगा गुड़गांव और फरीदाबाद में अकेले में 1.25 लाख के आसपास बेरोजगारी बढ़ी है, लोग छुट्टियां हो गई है फैक्ट्रियों से। मैं कह रहा हूं फिर सुभेंदु जी, मैं तो कल के आंकड़े आपको बता रहा हूं, बजट के आंकड़े सेंट्रल सरकार के, मनरेगा का बजट बढ़ने का सीधा सीधा मतलब है बेरोजगारी बढ़ी है, रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुए हैं, इसलिए मनरेगा का बजट बढ़ा है। ठीक है, हमारे साथ सुभाष लांबा जी भी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुभाष लांबा जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? सुभाष जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? सुभाष जी, मेरा सवाल आपसे ये है, यदि आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो, कि क्या जिस तरीके से सरकार की तरफ से वादा किया गया कि युवाओं को नौकरी दी जाएगी, तो क्या आपको नौकरियां मिली हैं? सुभाष लांबा जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? सुभाष जी, सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया और कहा गया कि हम हर साल के हिसाब से 2 लाख नौकरियां देंगे, तो क्या नौकरियां देने का जो वादा सरकार का था, क्या वो पूरा हो रहा है? क्या नौकरियां वाकई मिल रही हैं युवाओं को? नहीं, अभी 22 महीने तक सरकार का दावा आगे दे होटल पूछ लो बेरोजगार बढ़ो, विपरीत अगर हम ये जो वायदा किए 2 लाख सरकार दे जी, तकनीकी खराबी की वजह से सही से आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से सही तरीके से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक मैं बिलाल साहब आपके पास आना चाहता हूं। बिलाल साहब, क्योंकि जिस तरीके से आपकी सरकार में फैसला लिया गया था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इस फैसले से कहीं ना कहीं कर्मचारी वर्ग को एक राहत मिलेगी और कर्मचारी वर्ग खुश भी होगा और सरकार के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेगा, क्या ये मान लिया जाए? क्योंकि अलग अलग तबकों की तरफ से, अलग अलग लोगों की तरफ से और कई जगहों से ये आवाज़ भी उठती आ रही थी कि ये एक क्रेडिट लेने का भी कदम माना जा सकता है कि सरकार अब आकर इस स्टेज पर आकर एक फैसला ले ले ताकि ये टैग सरकार को मिल जाए, मौजूदा सरकार को। देखिए, कोई भी सरकार, अभी तो हमारे बीजेपी के जो संजय भाई हैं साथी हमारे कह रहे थे वो प्रोसेस में चल रहे हैं, अभी इनकी सरकार और प्रोसेस में सिमट जाएगी सरकार। आपको एक मैं बात बता दूं, जिन कांग्रेस सरकार की पॉलिसी को ये बीजेपी की सरकार गलत बता दी थी, मोदी जी कहते थे, मैं मनरेगा की, मेरे भाई धनखड़ जी कह रहे थे जिस तरीके से बजट को बढ़ाया गया, ये वही मोदी जी हैं जो कहते थे हमने तो ये इनको गड्ढे को और गहरा करेंगे, गड्ढों को याद किया जाएगा। बताइए, इन्होंने उपहास उड़ाया था कांग्रेस सरकार का, क्योंकि हमने मजदूरों को 100 दिन का काम देने का वादा किया था, उस पर ये लौटे हैं। और जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है नोटबंदी के फैसलों को लेकर के, ये चाहे अपने आप अपने मन में कितने भी खुश होते रहें, लेकिन इन्होंने देश का नाश किया है और बीजेपी सरकार ने प्रदेश का भी नाश किया। शुभेंद्र भाई, ये जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, संजय भाई को तो अभी यही पता नहीं है प्रोसेस का मामला, क्या प्रोसेस है क्या नहीं, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो 2.5 साल में, लोग तो 1 0 हटाते हैं, इन्होंने तो सीधी 2 0 हटा दी, 5,000 नौकरियां इन्होंने नहीं दी है, 70,000-80,000 हमारे टीचरों की भर्ती, स्कूलों में टीचर नहीं है, ये भर्ती की बात कर रही है, तो 2 साल कर्मचारियों को जो मिलना चाहिए बेनिफिट, हमने ठीक है हमने जाते जाते ये फैसला लिया
लेकिन हमने कर्मचारी के हित में काम किया। नहीं बिलाल साहब, लेकिन ऐसा फैसला क्यों लिया गया जिसको लेकर सवाल किया जा रहा है? नहीं, नहीं, क्या ये पहले से नीति तय हो जाती है कि हमें मौजूदा सरकार को क्या करना है? ये पहले से ही तय हो जाता है, निर्धारित कर लिया जाता है। तो लेकिन जब नीति बनाई गई तो आखिर जाते जाते ऐसा फैसला क्यों लिया गया? हमने फैसला पहले नहीं लिया जा सकता था? हमने जो फैसला लिया कर्मचारी को हित में फैसला लिया, और जिसको इन्होंने गलत बताया, अब उसी गलत काम को ये सही ठहराने के लिए अब सब कमेटी का जो झुंझुना इन्होंने एक महीने के लिए थमा दिया, इसको बजाते रहो और उसके बाद में उसकी आवाज को लेकर के ये कर्मचारियों के हित की बात करिए। आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने 2 लाख नौकरियां देने का जो टारगेट दिया था वो पूरा नहीं कर पाई है। नहीं, ये लेकिन क्या आपने, जब ये आपको भी मौका मिला 10 साल आपने भी जब काम किया, तो क्या आपने उन नौकरियों को पूरी तरीके से लोगों तक देने के काम किया? समय में हमने अपना पूरा प्रयत्न किया, पुलिस की भर्तियां की, टीचरों की भर्तियां की, कलर्क की भर्तियां की, तो एकदम से ऐसा काल कैसे आ गया? इतनी सीट्स कैसे खाली हो गई सर? नहीं, सवाल सीधा सा है। दलबीर जी सर, आपको ध्यान होगा कांग्रेस की मैं बात बताना चाहूंगा, बीजेपी कांग्रेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। गैस टीचरों की जहां तक बात आती है, कांग्रेस ये प्रथा लेके आई थी, रिक्त स्थान कांग्रेस ने भी नहीं भरे, और जाते जाते एक एफिडेविट दे गए कोर्ट में, ये कांग्रेस वाले मेरे भाई को याद होना चाहिए, गैस टीचर सरप्लस है। गैस टीचर बताने के बाद आपको बताऊंगा, चुनाव के दौरान माननीय आपके रामविलास शर्मा जी जंतर मंतर पर गैस टीचरों ने धरना दिया था पक्का करने के, पहली कलम से पक्का करने की बात करेंगे। वही गैस टीचर जो जाते जाते कांग्रेस से एफिडेविट देगी थी, भारतीय जनता पार्टी ने सबको हटाया। मैं दोनों पार्टियों कहता हूं, दोनों एक के एक हैं। वो सांप और नाक की बातें जो हम करते हैं वो गलत नहीं करते हैं, कोई फर्क ही नहीं है। आज गैस टीचरों की बात, दोबारा गैस टीचर रख लिए भारतीय जनता पार्टी ने, 58 से 60 की वो फिर वापिस रखने की बातें चल रही है। मैं तो साफ साफ कहता हूं, जब गैस टीचरों को एक वायदा किया था पहली कलम से पक्का करेंगे, क्यों नहीं किए? मैं एक और याद दिलाना चाहूंगा, कांग्रेस के समय में 9605 टीचर जो लगाने थे कांग्रेस के समय में, वो जाते जाते पूर्व के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या किया, लोग हमें वोट देंगे बाद में आकर अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, ऐसी ऐसी झुंझ नहीं दे गए, क्या हुआ फिर सरकार नहीं आई? आज वो 9605 गैस टीचर आराम फरमा रहे हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं या घर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज तक उनको नहीं लगा पाई, जो प्रोसेस में था उनको बारे में कहते हैं किसी के अंगूठे के निशान नहीं मिल रहे, किसी का कुछ नहीं, अरे जिनके मिल रहे उनको तो कोर्ट के आदेश हैं, उनको तो नौकरियां। तो मैं फिर नौकरियों पर बात करना चाहूंगा, गैस टीचरों को एक बार हटा दिया दोबारा फिर रख लिया, ऐसे ही 58 और 60 क्या है, ये दोनों सरकारें क्यों डिसीजन नहीं ले पा रही नौकरियों की? अच्छा, हम ये समझ भी रहे हैं दलबीर जी कि आखिर 58 से 60 यदि हो जाए, जिसके लिए इतनी माथापच्ची चल रही है और सरकार भी बुराई लेने के लिए भी तैयार है और वापस उसी रास्ते पर आ रही है जिसको बदलने की कोशिश भी की गई थी, आखिर 58 से 60 यदि कर दिया जाए तो कितना बड़ा बदलाव होगा इससे? सुरेंद्र जी मैं चाल बता दूं इनकी क्या है, चाल इनकी यह है और भर्तियां ही नहीं करेंगे, अब 2 साल 58 और 60 में निकाल देंगे, इन्हीं कर्मचारियों से काम चलाना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, जो रिक्त स्थान है जिस डिपार्टमेंट के, क्यों नहीं भरते? 58 से 60 करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो रिक्त स्थान है युवाओं को मौके दो, जो वायदा किया था ये बताते प्रधानमंत्री जिस देश में भी जाते हैं, आज हमारे पास सबसे ज्यादा युवा है इस दुनिया में, हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है, क्यों नौकरियां उनको देते? संजय भसीन साहब कोई जवाब है आपके पास? संजय जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बिलाल मलिक साहब, क्योंकि जिन चीजों को लेकर लगातार बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि यदि पिछली सरकार भी यदि सही तरीके से काम करती, पेच तो आपने भी फंसा दिया था ना, आप मौजूदा सरकार के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि आज मनोहर सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है, नौकरियां नहीं कर दे पा रही है, लेकिन शुरुआत तो आपने ही कर दी थी। नहीं, शुरुआत हमने क्या की, हमने 58 से 60 का जो उम्र का फैसला लिया, ये कोई हमारा गलत फैसला था, कर्मचारियों के हित में फैसला लिया, और जहां तक नौकरियों की बात रही, हमने नौकरियां दी और प्रोसेस दी नौकरी, और जैसे मेरे भाई ठेका प्रथा को लेकर जो सवाल शुरू हुआ, क्या उसकी वजह सरकार नहीं है ये आपकी? नहीं, हमारी सरकार का, हमारी सरकार ने गलत काम कुछ किया ही नहीं, क्या गलत काम किया, 58 से 60 का जो काम किया, कर्मचारियों के हित में फैसला लिया, और हमारे युवाओं को हमने भी नौकरियां दी, ऐसा नहीं कि हमने नौकरियां नहीं दी, हजारों नौकरी हमने दी, ऐसा नहीं है कि नौकरी हमने देने का काम नहीं किया, हमने युवाओं को नौकरियां दी, युवा खिलाड़ियों की बात हो या कोई भी इस तरह की बात हो, हमने बहुत सरकार कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए, कोई इस तरह की बात नहीं है, कोई 9600 जो टीचरों की बात जो हमारे साथी अभी बता रहे थे, वो उसमें थोड़ा कोई कानूनी मामला आया, अब ये तो सरकार की बात है, क्या उस सरकार को
वो पेज निकाल करके कम से कम उनको तो बहाल करे। चलिए ये हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ कर्मचारी नेता सरबत पुनिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सरबत जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सीधा सा सवाल है कि मनोहर सरकार ने पिछली सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार का एक फैसला बदल दिया था, जिसमें रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने को लेकर एक फैसला था, लेकिन आज मौजूदा वक्त में एक बार फिर से कुछ उसी तरीके का कदम सरकार उठाने जा रही है। क्या आपको लगता है कि नौकरियां देने का जो वादा सरकार ने किया था, क्या वो पूरा हो रहा है? देखिए, इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। नौकरी देने का इससे फैसले पर कोई प्रभावित नहीं होता। आज पिछली सरकार ने 58 साल की उम्र की थी और अब सरकार ने वापिस 58 कर दी और अब फिर करने की बात है, तो इससे एक तो सरकारों से कर्मचारियों का जनता का मतलब अविश्वास होता है। जहां तक अभी जो चर्चा की बात है कि इससे कोई नौकरियां प्रभावित होगी, नौकरियां प्रभावित बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि आज भी 2,10,000 पोस्ट खाली पड़ी है। 2,10,000 पद आज खाली पड़ी है जी। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार तमाम विभागों में आज भर्ती करे और पहले वाला जो फैसला है वो बहाल करे, ताकि सरकार पर कर्मचारियों का जनता का विश्वास बना। चलिए, एक पहलू इसमें ये भी है कि जिस वक्त ये फैसला लिया गया था, क्योंकि 2014 की बात है, सरकार ने मनोहर सरकार ने कहा था कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। संजय बजीर साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने यही बातों का जिक्र किया था। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इस फैसले के बाद युवाओं को नौकरी मिल पाई है या नहीं मिल पाई है, और क्या इसके पीछे तमाम पहलू हैं, समझेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और सीधे मैं मोहम्मद बिलाल साहब के पास आना चाहता हूं। बिलाल साहब, यहां नौकरियों को लेकर बार बार बात की जा रही है और हम 58 से 60 के बीच जो अंतर है, 2 साल के अंतर को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी फैसला लिया था और आपने भी कुछ सोचा होगा, कुछ समझा होगा, तभी इतना बड़ा फैसला लिया गया। तो 2 साल के अंतर से कितना बदलाव आप देख रहे हैं? 2 साल का जो हमने फैसला लिया 58 से 60 करने का फैसला, ये तो जो हमारे जो कर्मचारी साथी हमारे जो हमारे भाई हैं उनको एक 2 साल का ग्रेस पीरियड मिलता, वो सरकार की सेवा करते, प्रदेश की सेवा करते। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जो सरकार जो फैसला जो यूटर्न ले रही है, ये भी सिर्फ ये है कि आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो नोटबंदी के कारण जो इतना बड़ा गैप आया है, अब ये उस अपनी नाकामियों को सरकार के, ये सिर्फ अनुभवहीनता का परिचय दे रही है सरकार। अनुभव नहीं है इनके पास में सरकार चलाने का। नोटबंदी का फैसला आंख बंद करके ले लिया बिना रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के लिए, जैसा कि ये लोग मानते हैं, ये कहें कुछ भी, 1,25,000 जैसे मेरे साथी ने अभी बताया, धनखड़ जी ने, कि क्योंकि मैं भी फरीदाबाद से ताल्लुक रखता हूं, कि वहां हमारा फैक्ट्री एरिया, इंडस्ट्री एरिया, लोगों को आज भी इंडस्ट्री वाले बेचारे पैसा कहां से लाएंगे, इन्होंने तो एकदम से झाड़ू लगा दी पैसे में। 2-2 महीने, 3rd महीना होने को जा रहा, मैंने खुद इसका मैं खुद गवाह हूं, उसके बावजूद वहां मजदूरों का पैसा नहीं मिल रहा, जो हमारा यूपी और बिहार का जितना हमारा मजदूर भाई यहां था हमारे फरीदाबाद में। आने वाले समय में और ये खाई गहरी होगी, और उन नाकामियों को छुपाने के लिए अब ये 58 और 60 वाला जो फैसला ला रहे हैं, ये क्या है? ये तो बहुत मामूली सी बात है, आप लागू कर दीजिए। अब सब कमेटी की उसमें जरूरत क्या है? सारी चीजें तो सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने पूरी कर दी, अब उसमें सब कमेटी अब क्या है भाई? अब फैसला लेगी सरकार, देखेगी इसमें क्या फर्क पड़ेगा। अरे आप नए युवाओं को नौकरी देने की कोशिश करिए, और जो इन लोगों ने बेरोजगार किया है उनके रोजगार के बारे में सोचे और उनके रोजगार की चिंता करें, उनको रोजगार को मुहैया कराएं, उनका रोजगार को उपलब्ध कराएं। जी दलबीर जी, शुभेंदु जी, मेरी तो मांग है इस सरकार से, और मैं तो आज भी मानता हूं इस बात को, भारतीय जनता पार्टी सरकार और कांग्रेस सरकार में कोई फर्क मैं महसूस नहीं कर रहा। जो 10 साल में जो कांग्रेस ने किया, इन्होंने उसको आगे बढ़ाया है, नौकरियों के मामले में खासकर। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से एक मांग और कर रहा हूं, मेरी पार्टी मांग कर रही है, 1 साल का इन्होंने समय इस काम के लिए मांगा था, हमने इनको ये कही थी, जब इन 58 से 60 वापिस 60 से 58 पाए थे, हमने कही थी युवाओं को, नव युवक जो हमारे प्रदेश में, उनको नौकरियां दो, आपके पास रिक्त स्थान है उनको भरो, अगर बाई चांस 1 साल से ज्यादा आप नहीं भर पाते हो तो बेरोजगारी भत्ता दो, जो कि आपने वायदा किया घोषणा पत्र में, जो बहकाया है युवाओं को, बीए पास को 9,000 रुपए, 12वीं पास को 6,000 रुपए, जब तक आप नौकरी नहीं देते उनको बेरोजगारी भत्ता दो, रिक्त स्थान भरो,
आप अगर नौकरियों में अगर रिक्तता नहीं भर पाते, मैं फिर कहता हूं 58 से 60 की, 60 से 58 की, हमें कोई एतराज नहीं 60 करने में, उनकी जरूरत है आप रखिए, 60 कर दीजिए। हम तो तब भी कह रहे थे आप क्यों घटा रहे हो, इन्होंने एक वायदा किया था, हम इसलिए हटा रहे हैं अगर इनको कम कर देंगे तो युवाओं को मौके मिलेंगे। मैं कह रहा हूं 2.5 साल हो गए किस युवा को मौका मिल गया। फिर हमने एक मांग रखी थी इनके सामने, इनका घोषणा पत्र है, चौधरी अभय सिंह ने बताया था भाई आपके घोषणा पत्र में लिखा है अगर आप युवाओं को नौकरी नहीं दे तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता दो। ना बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं ना नौकरियां दे रहे हैं, 58 से 60 कर दी, 60 से 58 कर दी। एक बात तो आप मानोगे, हर महीने रिटायरमेंट तो हो ही रही है ना, तो लॉस तो है ना प्रदेश का, उस सीट पे कोई काम नहीं कर पा रहे, जब रिटायर ही हो गए उस जगह खाली होगी, नहीं आपने भरी नहीं, तो सफर कौन कर रहा है, सफर जनता कर रही है। ठीक है सुभाष लामा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष जी मेरा सीधा सा सवाल है क्योंकि आप से शायद संपर्क टूट गया था, लेकिन मेरा एक बार फिर से वही सवाल है कि क्या युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है, क्या रोजगार देने का जो वादा था सरकार का क्या वो पूरा हो पा रहा है, क्या युवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है? लगता है शायद संपर्क टूट गया, लेकिन संजय भसीन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय भसीन जी मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? संजय भसीन जी मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है शायद संपर्क टूट गया है। मैं दलबीर जी हम उसी चीज़ पर वापस आ रहे हैं क्योंकि बार बार जिन चीज़ों को लेकर सवाल किया जा रहा है कि 58 से 60 यदि हो जाए इसको लेकर एक पॉलिटिकल कनेक्शन भी निकाला जा रहा है और ये माना जा रहा है कि जब अलग अलग राज्यों के अंदर जब चुनाव हो रहे हैं तो इसका फ़ायदा इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं पार्टी को हो, इसको लेकर एक नई पॉलिसी निकाली जा रही है ताकि ये बताया जा सके कि हमने अपनी स्टेट के अंदर ये फैसला लिया। सर मैं फिर बताना चाहूँगा अगर इस तरह से नियत का पता चली जाता है, इस तरह से अगर फायदा होता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कभी जाते ही नहीं, 4-5 काम ऐसे कर गए थे जाते जाते हो तो हटते ही नहीं कभी। आपको ध्यान होगा जेपीटी टीचरों की भर्ती कर गए थे, 58 से 60 उम्र कर गए थे, गेस्ट टीचरों को लगा गए थे और आरक्षण भी जाते जाते देखे थे आपको ध्यान होगा आखिरी की कैबिनेट की मीटिंग पर खिलवा के ने तो अगर ये लोग ऐसा करते तो नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा सीएम रहते। मैं जनता जान चुकी है, मैं फिर कह रहा हूँ जनता ये जान चुकी इनकी मनसा क्या है, मनसा इनकी कुछ नहीं है, मनसा इनकी प्रदेश के युवाओं को खराब करने की है। और जहां तक आप फायदे की बातें नहीं है, फायदा किस चीज का मिलेगा जिस घर में बेरोजगार है युवा बैठे हुए हैं? दो मेरा वही ध्यान में जलाना चाहता हूँ, ये 2 साल क्यों पड़ा है, 2 साल ही सरकार के पास और बचे हुए हैं, ये टाइम निकाल जाएंगे ना, ये बेरोजगारी भत्ता देंगे ना युवाओं को नौकरियां देंगे, 2 साल जैसे तैसे करके इन्हीं आदमियों से निकालने की कोशिश करें। मैं पहले दिन से मेरे पार्टी और हम ये कह रहे हैं हर महीने आपके रिटायरमेंट हो रही है, ऑलरेडी आपके कम है रिटायरमेंट भी हो रही है हर महीने, वो रुक तो नहीं रही ना, 60 साल का हो या 58 साल का जो होता जाएगा रिटायर होता चला जाएगा। हर डिपार्टमेंट में शॉर्टेज है, तकरीबन 2.25 लाख रुपए, 2.25 लाख युवाओं की भर्ती आज कर दो, डिपार्टमेंटों में जगह खाली पड़ी है। और आप जाके प्रोसेस की बात मेरे वसीन भाई कह रहे थे, वो स्टूडियो में पहुंच गए हैं, प्रोसेस 2.5 साल में आपको मतलब कम समय तो नहीं कह सकते आप, 2.5 साल तो बहुत होता है, 6 महीने के बाद आप भर्तियां कर सकते हो, पर मनसा होनी चाहिए, मनसा। मैं कह रहा हूँ भर्ती आप नहीं कर पाए बेरोजगारी बता दो, कहीं तो आओ या बेरोजगारी बता दो या भर्तियां करो। ठीक है घोषणा पत्र के अंदर, घोषणा पत्र के अंदर 2006 था ये मांग करते हम इनसे, अगर आप भर्तियां कर पा रहे हो बड़ी खुशी की बात है, अगर किसी तरह डिले की बात आप कर रहे हो भाई प्रोसेस लंबा लगता है, बेरोजगारी बता दो उन लोगों को, ये हमारी मांग है। अच्छा ये एक और भी चीज़ है कि यदि क्योंकि जैसा कि घोषणा पत्र के अंदर भी दिया गया था कि यदि आप अपने इस कदम को पूरा कर लेते हैं, यदि आप नौकरियां दे देते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो यदि आप नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं तो आप भत्ता दे दीजिए, तो क्या वाकई आपको लग रहा है कि बेरोजगारी भत्ता लोगों को मिल रहा है? सर 5 रुपये किसी को नहीं दिया आज तक, किसको दिए हैं, रजिस्ट्रेशन कितने हो चुके हैं, किसी को 5 रुपए नहीं हो तो बता दे किसी का नाम रख दे। ठीक है ये इन सवालों के जवाब हम लेंगे। संजय भसीन साहब इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। संजय भसीन साहब कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सीधे से आपके पास ही आना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि नौकरियां हम लोगों को दे रहे हैं, आखिर ये कहां पर नौकरियां हैं और किन लोगों को आप नौकरियां दे रहे हैं, क्योंकि जो जैसा कि विपक्ष का सवाल है कि प्रदेश में तो नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, तो आखिर कहां किन युवाओं को आप नौकरियां दे रहे हैं? यदि आप प्रोसेस पे अगर आप अटक रहे हैं तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो 2.5 साल में अभी तक पूरा नहीं हो रहा? नहीं 2.5 साल के अंदर प्रोसेस की बात तो ये है जी, प्रोसेस तो सब जो साथी बैठे हैं उन्हें भी पता है, आपको भी पता है, जो सुन रहे हैं इस आपके चैनल के माध्यम से वो भी जानते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई दलबीर जी से और खान साहब से कि आप 2.5 साल की बात कर रहे हैं, इस 70 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी कितने साल आई होगी, कभी कभी समझौते में आई, और आप चाहते हो कि 70 साल के मामले को
ढाई साल के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी ठीक कर देती, ये तो कोई जादू का आंकड़ा तो है तो नहीं। आपको आपको भी 70 साल चाहिए? हमें 70 साल क्यों चाहिए? हमने 5 साल मांगे थे और उस 5 साल अपने पूर्ण होने से पहले, मतलब आप भी जाते जाते, आप जाते जाते ऐसा निर्णय करेंगे, पहले पूर्ण कर देंगे हम। सर मैं एक बात संजय भाई, मेरे भाई बैठे हैं, जो भी नया प्रवक्ता आता मैं उनको बार बार समझाता हूँ, संजय भाई भी आज आराम से सुन ले। 1977 में आपके साथ जेगी सरकार नहीं थी, आप पार्टी में इन्वॉल्व थे। 87 में साथ जेगी सरकार, 96 बंसीलाल जी के साथ, 2000 में फिर हमारे साथ, 4 बार आप पहले आ चुके हो। नंबर एक, 2000 में आप सरकार में शामिल नहीं थे, बाकी तीनों में सरकार में आप ऐसे शामिल रहे हैं, बराबर का कोटा आपको मिला है। बात ये मत करो, बात ये करो प्रधानमंत्री जी की वो बातें याद करो जो लाल किले से बोले थे। आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, मेरे को 5 साल दे दो, 12 महीने गुणा 5, 60 महीने में इस देश की काया पलट कर दूंगा। अरे संजय भाई, 60 साल बनाम 60 महीने मांगे गए थे, 5 साल मांगे थे ना। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं नहीं मैं वो तो सेंटर की बात कर रहा हूँ, जहाँ तक स्टेट की बात थी, जहाँ तक स्टेट की मैं तो आप कह रहे हो ना, इतने दिन हो रहे, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस ने भला नहीं किया इस देश का। आज जो हालात इस देश के हैं कांग्रेस का एक वजह है, सबसे ज्यादा राज इस प्रदेश में और देश में कांग्रेस ने किया है, इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस ने किया है इस देश और प्रदेश में सबसे लंबा राज। जो आज हालात देश के हैं काफी हद तक जिम्मेवार कांग्रेस है, परंतु भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को कौन भूल सकता है? क्या सुनहरे दिन थे वो, एनडीए की सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी, कोई दौर तो विपक्ष को पसंद आया, कोई दौर तो नेहरू से नेहरू को मिलाने का आपको ध्यान होगा, एक प्रोग्राम उनका था, क्या नरेंद्र मोदी जी वो भूल गए? भूल गए। अच्छा ठीक है संजय भसीन साहब, मैं एक सीधा सा सवाल, क्योंकि जब आप फोन लाइन पर थे तो मैं इसी बात का जवाब आपसे लेना चाह रहा था कि जो फैसला पिछली सरकार ने लिया था आप उसमें क्या खामी देख रहे थे? आप कह रहे हो कि बेरोजगारों को, खासकर के युवाओं को, आप कह रहे हैं कि युवाओं को हम आगे लाना चाह रहे थे, लेकिन आपने जब फैसला बदल दिया अब आप फिर से विचार कर रहे हैं, तो क्या युवाओं को लेकर कोई केंद्र आपके दिमाग में है, या फिर जो सब कमेटी बनाई जा रही है क्या उसके अंदर युवाओं को लेकर कोई अलग से ऐसा प्रपोजल आपकी तरफ से रखा जाएगा? हम ये माने कि जो पहला कांग्रेस पार्टी ने जो अपना प्रपोजल दिया था या फिर जो चीज़ें लेकर आई थी उससे बहुत कुछ हटकर इस बार आप कुछ देने वाले हैं? नहीं, हटकर देने वाले तो ये तो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके जो सोच ही है वो सबसे परिचित है कि नया तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और जो ये कमेटी बनाई गई है इसको 1 महीने का समय दिया गया है। विपक्ष बार बार ये कह रहे हैं नया टैग मिलेगा बस। नहीं नहीं, टैग कुछ नहीं मिलेगा, सारे का सारा सुचारू रूप से होगा, बढ़िया तरीके से होगा। और जो आप ये कह रहे हैं कि फैसला उस समय क्यों बदला गया था, उस समय शायद माननीय दोनों साथी मेरे बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे लोग उस समय रिटायरमेंट के ऊपर बैठे हुए थे जाते जाते, और बाद में तो ये भी बातें उठी कि जो है अपना आचार संहिता भी शायद लागू होने वाली थी या हो गई थी, और उसके अंदर ये फैसला लिया गया। अगर ये फैसला लेना ही था तो बहुत पहले लेते, और इसलिए जब ये सारा सोचा गया। और दूसरी बात ये थी, आप सारे के सारे जानते हैं कि कहाँ तो टाइप से पहले देश चलता था, अब टाइप कंप्यूटर पे आ गया, उसके अंदर भी ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे लोगों को चाहिए था। तो ये हमारी भी ये सोच थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कि इस टेक्निक को भी आगे बढ़ाया जाए, लोगों को सिखाया जाए, जिसके अंदर हमने 2 साल के अंदर इस टेक्निक के हर विभाग के अंदर इसके जो है कि हमने जाके लोगों को सिखाया है, उन्हें परफेक्ट किया है। और जब पूरी जानकारी ये है कि साथी बैठे हुए हैं कि विभागों के अंदर जब डिपार्टमेंट के अंदर कर्मचारी ही नहीं है तो सरकार को उस चलाने के लिए एक नया तरीका सोचा गया कि जो भाई रिटायर, आप ये मान रहे हैं ना कि कर्मचारी नहीं है? नहीं, कर्मचारी हमने थोड़ी भर्ती कर रहे थे जी, तो नहीं सरकार आपकी है सर, भर्तियां तो आप ही करेंगे ना। सरकार भर्ती हुए, सरकार तो हमारे 2.5 साल से है, इन्होंने कितनी बार भर्ती की? जो आप पिछली बातें छोड़ दीजिए ना संजय भसीन साहब, आप ये पिछली बातें छोड़ दीजिए, भूल जाइए पिछली बातें, आप ये बताइए ना, अब आपकी जवाबदेही आपकी सरकार की है, आपको ये बताना है कि आपकी सरकार ने कितना काम किया है। धनगढ़ भाई आप बार बार कह रहे हैं हमने भर्ती नहीं करे, आप या तो भर्तियों के बारे में बिल्कुल देखिए धनखड़ भाई, देखिए प्रदेश देख रहा है सच्चाई को, आपको सामने रखा ऐसा नहीं है सरकार ने काम किया। जिस तरह मेरे बिलाल साहब यदि ये बातें गलत है, बिलाल साहब यदि ये बातें गलत है आप झुठला दीजिए, झुठला दीजिए, आप ठेकेदारी झुठला दीजिए, आप टीचर कौन लेके आए? देखिए शुरुआत आपने ही की बिलाल साहब, शुरुआत आपने ही की जिसका नतीजा आज प्रदेश की जनता भुगत रही है।
भर्ती के तरीके को जैसे अपनाया गया उन्हें तो भर्ती करना चाहते थे। आज आज क्यों हमारे माननीय जो नहीं नहीं ये नहीं है नहीं, नहीं। आपकी आप अपनी अनुभवहीनता को स्वीकार करिए। अनुभवहीनता नहीं, आपकी अनुभवहीनता साफ झलक रही है। नहीं नहीं हम हमारा अनुभव हमने तो सरकार चलाया, देश चलाया, हमारी पार्टी ने प्रदेश चलाया और आप अभी जिक्र कर रहे थे 70 साल का। 70 साल पहले का आपको पता हिंदुस्तान क्या था? घर देश में नाच पैदा नहीं होता था। और 70 साल पहले के हिंदुस्तान को आज अभी झुठला तो ये आपकी मानसिकता है, ये मानसिकता है। अगर आप सबसे पहले आप 70 साल पहले का हिंदुस्तान बनाना चाहते हो, आप काम करने जा रहे हो नोटबंदी को लागू करके। बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 70 साल पहले बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ले जाने की जो हाल फिलहाल के समय की बात कर लेते हैं, नोटबंदी क्यों नहीं? 70 साल के अंदर नोटबंदी क्यों नहीं? आप रोजगार दे नहीं रहे, रोजगार तो आप दे नहीं रहे, उल्टा बेरोजगार करने पे तुल गए। आप कैसे नहीं रहे क्यों? अरे हमारा गुड़गांव और फरीदाबाद में राष्ट्रीय चैनल 7 लाख से ज्यादा राष्ट्रीय चैनल नहीं, जिसके अंदर स्वीकार करिए। संजय भाई साहब ठीक है, ठीक है बिलाल साहब, बिलाल साहब ठीक है, गाजियाबाद साहब मुझे आज मोहम्मद बिलाल जी मैं आता हूँ आपके पास। भसीन साहब एक छोटा सा सवाल है कि एक आंकड़ा मेरे पास है कि यदि 800 कर्मचारी हर महीने के हिसाब से रिटायर हो रहे हैं तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी नौकरियां सृजित हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ उन पदों को भरने के लिए लोगों की जरूरत है और कितना बर्डन आज कर्मचारियों के ऊपर पड़ रहा है। बर्डन तो इसके अंदर है, जब ये मान रहे हैं आप कर्मचारियों, ये मान रहे हैं ना आप इस बर्डन ये, को ये तो कम से कम आप ये कबूल कर लीजिए ना, आपने सच्चाई से कबूल तो कर लिया ना। ये इस बर्डन को देखते हुए एक समिति बनाई गई और जिनकी अभी 60 साल की, इसमें भी 2 साल का समय, 2 साल से ज्यादा का समय लग गया था। तो समय मांगा है सरकार ने, नहीं आप 2.5 साल के लगभग अब समय हो गया, आपने इतना लंबा समय सोचने में निकाल दिया कि हम इसके ऊपर ये ऐसा सोच लेते हैं कर्मचारी तो बर्डन पड़ रहा है। इन भर्ती के अंदर अड़चन कितनी आई है ये भी माननीय जानते हैं, आप लोग जानते हैं, देश जानता है, जनता को भी बता दीजिए ना सर, और सारी अड़चन जनता को भी बता दीजिए, जनता समझना चाहती है, जनता समझती है, और यदि आप थोड़ा सा इशारा देंगे तो सारे हिंट समझ लेगी। क्या परेशानी है वो बता दीजिए ना। परेशानी कोई नहीं है, उन परेशानी तो देरी क्यों हो रही है उसको? जनता भी यही समझ रही है, जनता भी यही जानना चाहती है देरी क्यों, नौकरियां नहीं है। देरी इसलिए कि भर्तियां सुचारू रूप से हों, ईमानदारी से हों। पहले क्या होता था कि इंटरव्यू के अंदर सारे का सारे घपले हो जाते थे, उन घपलों से आप भी परिचित, मैं कहना नहीं चाहता, मैं करना नहीं चाहता इस बात को। और अब क्या है कि मेरिट लिस्टों के ऊपर होगा, मेरिट के अंदर जो बच्चे आएंगे उनकी भर्तियां होंगी, इस सारे के सारे सिस्टम को ठीक कर दिया गया है और तुरंत ये भर्तियां होने वाली। इन्होंने शुभेंदु जी एक मैं आपकी इनके भर्ती प्रक्रिया का मैं आपको एक ताजा उदाहरण दे रहा हूँ। मछली फिशरी डिपार्टमेंट ने भी भर्तियां की, धनखड़ जी ने तो सारे अपने इलाके के ऐसे भर दिए कि जैसे कोई सब्जी मंडी है। क्या ये खेल लगा रहे हैं, मतलब सारे कर्मचारी एक ही जगह से और भर्ती पूरी तरीके से रद्द हुई। अब कौन सी प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, कौन सी प्रक्रिया को सही करना चाहते, ये हमारी समस्या बाहर है। ठीक है दलबीर जी, पारदर्शिता में दो तरह से बताऊंगा संजय भाई। एचसीएस की भर्तियां हुई, वाह वाह लुटी आपने, आपके राजकुमार सैनी सांसद कुरुक्षेत्र से उंगलियां उठाई, जाति विशेष को भर्ती किया गया है, ओपन चैलेंज किया उन्होंने, मैं नहीं कह रहा। आपने एक दूसरी भर्ती फिशरी मैन की और वो तो आपने पता ही जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा कर दी, फिर वो हटा भी दिए। ये आपकी भर्तियां की है, आपके टाइम में तकरीबन 30,000 कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं और भर्ती आपने कुल 5,000 की। संजय भसीन साहब रिटायरमेंट हो चुके हैं, ठीक है संजय भसीन साहब, क्या यही पारदर्शी आप रिक्रूटमेंट आप कर रहे हैं जिसमें घोटाला निकल कर सामने आ रहा है और जिसमें जो तस्वीरें आपके सामने हैं? नहीं नहीं, जैसे दलबीर जी कह रहे हैं कि फालतू भर्ती करी और उनको बाद में जो है छह महीने हो गए फिशरी डिपार्टमेंट में। देखिए वो पारदर्शिता क्यों नहीं अपनाई आपने, वो सरकार आपकी, अरे सरकार आपकी, ये धूल झोंकने का काम मत करिए। आप कहते हैं कि आपकी ट्रांसपेरेंसी आपने पूरी तरीके से हर सिस्टम में लाकर रख दी है, तो आखिर रिक्रूटमेंट क्यों कर दी और उसके बाद क्यों हटाना उनको पड़ गया? ये कह रहा हूं ना जी, बात सुनिए कि पारदर्शिता अगर हमने नहीं लानी होती तो उनको हम क्यों हटाते? तो आपने रिक्रूट ही क्यों किया? आपने नियुक्त क्यों किया?
संजय भाई, संजय भाई नहीं नहीं गपलेबाजी कोई नहीं करी। देखिए सिर्फ गपलेबाजी में वही कहूंगा कि आप ही अनुभव की बात ले आओगे। एक बार नहीं नहीं ज्यादा भर्तियां करने के बाद पोल खुलने के बाद लिस्ट डायरेक्टर को दे दी। लगने के बाद जब जाकर किए डायरेक्टर को लिस्ट दे दी गई फिशरी डिपार्टमेंट के, उसको बलि का बकरा बनाने के लिए। अब क्योंकि मंत्री महोदय को बलि का बकरा बनाया जाए तो धनखड़ जी को बनाया जाए जिनके देख रेख में हो रहा था सब कुछ, और उन्होंने सब चीज को दरकिनार करते हुए और एक तरीके से एक तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र में अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को राजनीति में बनाए रखने के लिए इस तरह कोई राजनीति करी जाती है। अब वो बेरोजगार जो छह महीने से तो फिशरी नहीं नहीं राजनीति नहीं नहीं राजनीति नहीं राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं बेरोजगारों से जो खिलवाड़ तो जाहिर तौर पर जो नई रिक्रूटमेंट है वो उतनी कम हो पाएंगी, उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगी। यदि 58 साल है तो उसमें कम से कम आप ज्यादा रिक्रूट कर सकते हैं, यदि 60 हो जाएगी तो उसकी संख्या थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि रिटायरमेंट प्रोसेस थोड़ा सा और डिले हो जाएगा। तो यानी कि आप जो युवाओं को आगे लाने की बात करें तो वो तो आपकी पॉलिसी से ही झलक रहा है कि कहीं ना कहीं युवा उसमें पीछे रह जाएंगे। नहीं नहीं ऐसा मान नहीं है, अभी कोई पूरी ये जो प्रोसीजर पूरा का पूरा जो आप ये कह रहे हो इसके अंदर जो 58 से 60 साल वाला इसको पूरा फैसला तो उन्होंने किया नहीं कितने साल के लिए से किया जाए। तो एक महीने के लिए इसीलिए कमेटी बनाई है कैप्टन अभिमन्यु के, उसके अंदर वो क्या फैसला लेती है उसके ऊपर क्या ऑर्डर करते हैं कितने साल के लिए। और दूसरी बात ये है कि जो साथी रिटायर हो चुके हैं जो कर्मचारी भाई वो सारे के सारे इस रिक्वायरमेंट में दोबारा आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। सवाल तो वही है ना बसी साहब, आपने शुरुआत में ही कहा कि युवाओं को आगे लाएंगे तो युवा कहाँ है इसमें? इस केंद्र में युवा होने चाहिए। आपने कहा जो रिटायर हो गए हैं उनको हम वापस लेकर आएंगे, तो युवा इसमें कहाँ है? ये जो 60 जो जिस समय ये फैसला किया गया था, आज आपने अगर पढ़ा हो ना पढ़ा हो अलग है, कोई अभी ना वो नहीं आप बता दीजिए ना नहीं, आप बता दीजिए नहीं उसके अंदर उन्होंने यही आप समझा दीजिए हमें कि जो रिटायर हुए थे और 60 साल की आयु जिनकी अगर नहीं हुई है उनको जो है रिक्रूटमेंट दोबारा किया जा सकता है। वही सवाल है, सवाल भी यही है, युवाओं को क्यों नहीं जिनको आप नौकरियां नहीं दे पा रहे क्या बेरोजगारी भत्ता देना चाह रहे जो आपके घोषणा पत्र में 9000 रुपए 6000 ठीक है क्या वो देना चाह रहे हो? विभागों के अंदर धनखड़ जी आप भी जानते हैं, आप भी थोड़े से रहे हैं ज्यादा टाइम ये रहे हैं जो मेरे साथी बैठे हैं, इतने विभागों के अंदर पोस्टें खाली हैं। ठीक है ठीक है, समय की कमी है दलवीर साहब, दलवीर धनखड़ ठीक है संजय साहब मैं आपके पास आता हूँ दलवीर जी, लेकिन हम जो समझ रहे हैं क्या वाकई सरकार इस दिशा में है कि युवाओं को आगे नौकरियां दी जाए? बिल्कुल सर, जो सिस्टम ये दिखा रहे हैं और बना रहे हैं उसमें युवाओं के लिए कोई स्थान नहीं है जिस तरह ये दिखा रहे हैं। मैं तो प्रार्थना करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और सीएम साहब के बहुत नजदीक हैं, बहुत ही नजदीक है, जब गुड़गांव आते इनसे मिलते थे जब वो सीएम नहीं थे, आजकल पता नहीं, वो उनसे एक बात करें, या तो आप हम समाज में जाते हैं जनता में जाते हैं जनता हमसे सवाल पूछती है, या तो उनको नौकरियां दो युवाओं को नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो जो हमारे घोषणा पत्र में। मैं प्रार्थना करूंगा अपने भाई से बड़े भाई से, ये सीएम साहब से मिलते रहते हैं जरूर उनसे बातें करें बेरोजगारी भत्ता दीजिए। बिलाल साहब, बिलाल साहब मैं संजय साहब आपके पास आता हूं, मैं आता हूं बिलाल साहब। देखिए मेरे साथी अब जिस तरह से कह रहे थे कि भाई उनको नौकरियों में दोबारा भर्ती करेंगे, अब सरकार को बने हुए 2.5 साल हो गए, लगभग पूरे हो गए 2.5 साल, 2 साल उसका खमियाजा वो सफर करेगा ना और ये फैसला लेंगे, मैं आज बता रहा हूं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं और चैलेंज के साथ कह रहा हूं इस फैसले को ये लेंगे। और जिनको बेचारे जो कर्मचारी इस दौरान में जो रिटायर हो गए उसका खमियाजा क्या ये देंगे? युवाओं को तो ये भूल गए, अपने घोषणा पत्र को तो ये नहीं देखते होंगे कि 154 वादे जो ये करके आए कि किस तरीके से उसको पूरे करेंगे, उसके ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ ये है कि भाई जनता को किसी ना किसी खेल में उलझाए रखो, अब एक महीने की कमेटी बना दी और मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं ये इसको लेंगे और उसी फैसले पे आएंगे जो कांग्रेस पिछले कामों को करती आई है, ये उन्हीं कामों को दोहराएंगे। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि वापस एक बारी सरकार को फिर से यू टर्न लेना पड़े? सरकार यू टर्न नहीं लेगी, सरकार के अपने निर्णय, सरकार यू टर्न। तो हम ये मान लें कि इसमें कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा? बिल्कुल इसके अंदर नया होगा। दूसरा, जैसे हमारे माननीय धनखड़ जी कह रहे हैं, इसके अंदर ये है कि युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री युवाओं की सोच रखते हैं, युवाओं के प्रेरणादायक हैं। चलिए ये एक महीने बाद स्पष्ट हो जाएगा कि युवाओं को लेकर कितना केंद्र सरकार अपना ध्यान दे रही है, सरकार की नीति में युवा कितने केंद्र में आते हैं ये भी देखना होगा। फिलहाल समय की कमी है, माफी के साथ मैं सभी को रोकना चाहता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े सभी खास मेहमानों का, लेकिन देखना यही होगा कि एक महीने का समय है और एक महीने के बाद जब ये सब कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी सरकार को तो सरकार क्या निर्णय करेगी, क्या फैसला लेगी, ये फिलहाल देखना होगा। फिलहाल खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।